खबर मऊ जनपद के घोसी से है, जहां एलबीटी फाउंडेशन के सदस्यों ने गरीब बच्चों में किताब, कलम व अन्य स्टेशनरी वितरित किए। एलबीटी निदान वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा पूर्वांचल में शिक्षा, सामाजिक उत्थान के लिए ठोस कदम उठाया जा रहा है। नारी सम्मान, निःशुल्क पैड वितरण, नारी सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने, गरीब असहाय मजदूरों को कम्बल व वस्त्र वितरण करने के साथ सिलाई कटाई कढ़ाई बुनाई के क्षेत्र में सहयोग एवं आधुनिकीकरण का प्रयास कर रही है। संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज का उत्थान कर देश को मजबूत बनाना है। एलबीटी निदान वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर यो अपचीत वमन चीफ एडवाइजर जितन भारती हैं, जो अपनी संस्था सदस्यों के साथ मिलकर दिन रात समाज के गरीब असहाय महिलाओं के उत्थान में लगे हैं। संस्था के सदस्यों में मुख्य रूप से अंशु जयराम, आशीष कुमार, शिक्षक दीपक कुमार, प्रमोद कुमार एवं तमाम कार्यकर्ता गण, दिनेश कुमार, अरविंद कुमार, दल श्रृंगार आदि लोग शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट मऊ घोसी। सब कुछ नहीं मिटाना है, गलत हो जाते हैं, लाइन सीधी करो, ये नहीं जो सही लिखा गया उसको ही मैं खड़े रहा हूँ। ले रहा हूँ, रुक जाओ, खाया जाता है। तुम लोग पेंसिल से लिखते हो? वो खाना है। तुम नहीं, तुम पेन से लिखती हो ना, तुम क्या करोगे? मिला है। चलो जल्दी जल्दी, कौन कौन नहीं आया जल्दी। खड़े रहो, अपने अपने लाइन में खड़े रहो, अपने अपने लाइन में खड़े रहो। पिछवा के पास पिछवा के नाम है क्या? हमने इधर हो गया क्लास चालू नहीं, अभी टीचर लोग क्लास लेंगे हम लोगों का। बच्ची बच्ची किधर जा रही है? चलो सुनी सुनी।